नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में आपको देखने को मिल रही होगी। आज मैं आपको बहुत ही खास उपाय बताने वाली हूँ शिवरात्रि के बारे में। शिवरात्रि के तो बहुत सारे वीडियोज़ ही मैंने आपको बताए हैं, लेकिन आज जो मैं बताऊँगी ये शिवरात्रि के उन उपायों में से है जिन्हें आप आसानी से कर पाएंगे, जिससे आपको धन लाभ मिलेगा, जिससे ज़िंदगी में सफलता मिलेगी, जिससे आप चाहें तो अपनी लाइफ में मजबूती से आकर आगे खड़े हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयरिंग होगी, जितनी अच्छी चीज़ें लाइफ में बेहतर होती चली जाएंगी, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको भी मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सबकी मनोकामना भोलेनाथ जो है वो पूरी करेंगे, हर हर महादेव, घर घर महादेव, इसी नारे को याद रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए। क्या आपके घर पर शिवलिंग है? शिवलिंग किस चीज़ का है? सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि शिवलिंग आपको रखनी है तो केवल पारस की शिवलिंग रख सकते हैं, क्रिस्टल की रख सकते हैं, स्फटिक की रख सकते हैं। इसके अलावा ऊर्जा शिवलिंग में इतनी ज़्यादा होती है कि पत्थर का शिवलिंग अगर आप रखते हैं तो इसको आपको घर के अंदर रखना अलाउड नहीं, नहीं रख सकते इसको आप। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लाइफ में आपको पता नहीं है, कभी मम्मी ने रख दिया, दादी ने, नानी ने रखा तो उसी को पूजा करते आ रहे, तो चीज़ों को बेहतर बनाइए और घर पर केवल और केवल अंगूठे से छोटे साइज़ का शिवलिंग हो, और वो भी स्फटिक की हो या फिर पारस की शिवलिंग सबसे उत्तम मानी जाती है घर पर रखने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या खास काम आपको ज़रूर करना है शिवरात्रि वाले दिन। शिवरात्रि वाले दिन आपको सुबह उठकर सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करिए, करके आपको भोलेनाथ के मंदिर में जो भी आप अभिषेक करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन आज मैं उपाय बताऊँगी 108 बेलपत्र का। जी हाँ, 108 बेलपत्र, जो कि कटा फटा टूटा कहीं से भी ना हो, ध्यान रखिए। अगर अवेलेबल नहीं है तो भैया एक बेलपत्र भी काफ़ी है। आपको क्या करना है, उसी को वापस गंगा जल में धोइए, वापस चढ़ाइए, वापस गंगा जल में धोइए, वापस चढ़ाइए। 108 बार इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं, अगर उपलब्ध नहीं है तो वो सही माना जाता है। एक बेलपत्र में आपको श्रीम लिखना है, हर एक बेलपत्र में 108 बेलपत्र में श्री लिखिए, श्री लिख के ऊपर में बिंदी डाल दीजिए, और इसको आप लिखेंगे किसी भी तरह से, रक्त चंदन, लाल चंदन जिसे हम कहते हैं उससे लिख सकते हैं या फिर सफ़ेद चंदन से लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको एक एक करके अपनी अभिलाषा बोलकर भोलेनाथ के सर के ऊपर रखना है। और आपको ध्यान रखना है, ये काम क्यों करना है, किसी को अगर आर्थिक परेशानी है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं ज़िंदगी में, तो इस काम को आपको करना है। आपको वहाँ पर घी का दिया प्रज्वलित करना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर पर पारस के शिवलिंग में कर लीजिए, या फिर आप घर पर जो भी शिवलिंग आपका है उपलब्ध उसमें कर लीजिए। इस क्रिया को आप कहीं पर भी कर सकते हैं। घर पर अगर करते हैं तो उस बेलपत्र को उसके बाद दिन उठाकर आपको जल प्रवाह करना नहीं भूलना है। दूसरी बात यह कि शिवलिंग की पूजा, जब भी आप शिव जी की पूजा करेंगे, उनको अभिषेक कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस दिन एक काली मिर्च और 7 दाने काले तिल का ज़रूर से ज़रूर शिवलिंग पर अर्पित करिए। इससे आपकी ज़िंदगी की जितनी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो सब समाप्त होती हैं। इसके बाद आप आज के दिन घी का दिया शिवलिंग के पास ज़रूर अर्पित करना चाहिए। बजरंग बली की पूजा अनिवार्य है, बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि हनुमान जी जो है, बजरंग बली जो है, वो रुद्र रूपी ही है, स्वयं शिव हैं, तो उनकी पूजा आज के दिन ज़रूर करें। हो सके तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ हम शिवलिंग के सामने बैठकर ज़रूर बोल लीजिए। नहीं बोल पा रहे हैं तो सुंदरकांड का आज के दिन दान ज़रूर कर लीजिए। और आपको हनुमान जी के और बजरंग बली के सामने एक आपको चमेली का तेल का दिया अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। उनको भी भोग रूप में आप लड्डू प्रसाद के रूप में चढ़ाइए, पान का बीड़ा चढ़ाइए, लेकिन वो पान मीठा होना चाहिए, उसमें चूना नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से ज़िंदगी में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, ज़िंदगी से सारे कष्ट जो है वो दूर होते चले जाते हैं। शिव जी की पूजा अवश्य करिए। 5 फल उनको, सीजन के जो फल हैं उन्हें ज़रूर चढ़ाइए। आपके ज़िंदगी में बहुत सारी समस्या आपके ऊपर आ रही है तो 7 आपको बैर लेनी है, अपने सर से उल्टे घड़ी की दिशा में लेफ्ट कान से आप घुमाएंगे, 7 टाइम्स घुमाकर शिवलिंग पर आप अभिषेक करके आइए, आपकी परेशानी ऐसे चुटकियों में दूर हो जाएंगी। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। इसके अलावा लाइफ में अगर आपको लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो आपको क्या करना है, एक शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ कोई भी फल आपको किसी भी तरह से किसी गरीब को दान करना है। वहाँ से मिला हुआ कोई पंडित जी आपको अगर फल दे देते तो उसे नहीं खाकर आप उसको दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, अड़चनें जो हैं लाइफ से वो ख़त्म होते हुए दिखेंगे। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।